जिसे वरुण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वीसी ब्लॉग्स। भाई काफ़ी दिन से मेरे पास ये पड़ा हुआ था, ये डिस्क लॉक लेके आया हूँ आज के लिए, आज आपके लिए। काफ़ी अच्छा लॉक है ये, हार्ड क्वालिटी है इसकी, गोल्डन कलर का, इसलिए स्टैंडर्ड बुलेट में लगा जाना हूँ। इसका रिव्यू किया था, अपलोड हो चुकी भाई वो वीडियो, चैनल में जाके देख सकते हो आप, लाइक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और इसमें मैं आज लगाने वाला हूँ इसकी फ्रंट डिस्क ब्रेक में, देख सकते हो आप। इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको, भाई देख सकते हो आप, ये अनबॉक्सिंग कर लूँगा। इसका एक लैम्प आता है, ये आप यहाँ लगा सकते हो चाहो तो, बुलेट में अगर आप लगा रहे हो, इसे मैं यहीं लगाने वाला हूँ। और ये डिस्क लॉक है, गोल्ड कलर का ये, इसकी इससे लाइन से मैच करता है, हैंड प्रिंटेड लाइन से। इसमें लगा के दिखाता हूँ इसमें कैसे लगता है इसमें डिस्प्लेट में। इसकी चाबी ये है, चाबी मैंने पहले ही निकाल ली थी, चाबी बड़ी भारी है भाई, 100 ग्राम की होगी कम से कम। तो इसके लिए आपको ये 10 दिसंबर के 10 mm के ये चाहिए होंगे स्पैनर, और ये आपको इसके लगा के दिखाता हूँ। अगर आप चाबी को इस साइड घुमाओगे, राइट साइड अंदर देखे इसमें, तो ये खुल जाएगा। और इसमें ऐसे करके ना इसे बस पुश करना आपको, ऐसे करके देखिए आप, किसी भी एक होल में यहाँ पे फिट हो जाए, देख सकते हैं लग चुका अच्छे से। स्टैंडर्ड बुलेट में लगाया है, ठीक है, ये भी सॉरी बुलेट है, इसका मैं पहले रिव्यू कर सकता हूँ। ऐसे अगर राइट में आप थोड़ा सा भी थोड़ा सा करोगे राइट में, ऐसे ही खुल जाएगा, ठीक है। ये था इसका लॉक, काफ़ी अच्छा लॉक है। इसकी कॉस्टिंग पड़ी है 150 रुपीज़ की मेरे को, और हर एक जगह पर अलग अलग कॉस्ट होगी। डिस्क ब्रेक लॉक है इसका नाम, पॉश कंपनी का, ये रेसिंग प्रोजेक्ट नाम है इस कंपनी का भाई। अब मैं इसका एक क्लैंप लगाने वाला हूँ इस वाले बोल्ट में, यहाँ पे हर एक बुलेट में बोल्ट होता है, आप किसी भी बाइक के लिए कहीं पर भी लगा सकते हो इसे, अलग अलग बाइक के लिए अलग अलग जगह सूटेबल होती है। और ये अपनी क्लासिक बुलेट, इसका और इसका कंपैरिजन वीडियो आने वाली है, BS4 है, ये BS6 है। अभी थोड़ी डस्ट हुई हुई है भाई, काफ़ी दिन से खड़ी हुई है बाइक, ये भी हमारी अच्छी बाइक है काफ़ी, सबसे पहले यही ली थी हमने बुलेट, अब ये ले लिया, तो अब इसकी वीडियो आने वाली है, मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ एक बार आपको। तो भाई जैसा आप देख रहे हैं, क्लैंप मैंने लगा दिए टाइट करके, थोड़ा सा इधर टिल्ट है, ये आपका यहाँ पे कुछ सामान कैरी करने के भी काम आ जाएगा। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ क्लैंप किस काम आता है। अब जैसे कि आपने कर लिया भाई, ये निकाल लिया आप, लॉक अनलॉक कर लिए इसे, तो भाई जेब में रखोगे, किसी ने देख लिया तो कोई कहेगा कि भाई जेब में लॉक लेके घूम रहा है, इसलिए दिया जाता है। ये ऐसे निकाल के आप इसके अंदर ऐसे करके निकाल लो आप, इसकी चाबी निकाल लेता हूँ, ऐसे करके लग जाता है, ये देख लो इसका लॉक का पैकेट है, इसलिए दिया जाता है लॉक। ये थोड़ा सा साउंड क्रिएट कर सकता है आपकी बाइक में, मैं ये कहूँगा भाई आप पीछे वाले बोल्ट में लगाना इसे, ठीक है, इससे अच्छी फिटिंग रहेगी आपकी। और अगले बोल्ट में लगाओगे तो थोड़ा ये नट क्लासिक में प्रॉब्लम कर सकता है, मैंने उसमें भी लगाया था जैसे कि क्लासिक में प्रॉब्लम करता है, थोड़ा सा पीछे लगाना ज़्यादा आसानी रहेगी पीछे लगाने में। भाई ये इस वीडियो में लॉक के बारे में डिस्क्राइब किया था मैंने, कैसी लगी वीडियो, अच्छा लॉक है 150 रुपीज़ में, देखो अलग अलग प्राइस का अलग अलग होता है। 10 नंबर की स्पैनर और की से आप इसे खोल के आराम से लगा सकते हैं वहाँ से, ठीक है। यही था भाई इस वीडियो में, कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना, तब नेक्स्ट वीडियो के कंपेरिजन के लिए वेट करिएगा। सैलेंसर की वीडियो आने वाली है अगली, बस तब तक के लिए वेट करिए। जय हिंद, जय भारत।